रीजन ऑफ एरर्स इन हिंदी। देखिए एरर्स को कैसे लिखते हैं। पहला स्टेप, आपने कहा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई या आपने कहा एल प्लस माइनस डेल्टा एल, तो इसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। अब ये लेंथ है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, ये वाई है कोई फिजिकल क्वांटिटी तो एक्चुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं एरर इन वाई। ऐसे ही इसको बोलेंगे एरर इन लेंथ, डेल्टा एल माने एरर इन लेंथ। इसे गौर करो, जैसे अगर हम लिख दें 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ कौन है 100 सेंटीमीटर, सो डेल्टा एल एरर इन लेंथ कौन है 2 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट। दूसरा, रिलेटिव एरर इन वाई। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है एरर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू, तो हमें निकालना है रिलेटिव एरर इन वाई। तो एरर इन वाई अपॉन रिलेटिव माने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कौन है वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इन वाई विद रिस्पेक्ट, इसमें प्लस माइनस लगा दो। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर, ये आपको याद करनी है टर्म्स। वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, वाई एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा वाई एरर इन वाई। अब डेल्टा वाई अपॉन वाई एरर इन वाई, इसे आप ऐसे ही पढ़ेंगे ना, एरर इन वाई अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ब्रीथ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली, फिर इसका तीसरे पॉइंट में हम आपको सिखाते हैं परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर इसी का ही नाम है, इसी को कहते हैं, पूरा नाम बोले तो परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, तीन नाम है इसी के, शॉर्टकट में परसेंटेज एरर बोलता है। परसेंटेज का मतलब है इनटू 100 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई इनटू 100, या रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालना है तो रिलेटिव एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर आ गया। लंबी गहरी सांस भरी है। फिर हमने आपको सिखाया था मीन एब्सोल्यूट एरर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या फंडा था वो सुनिए। स्टेप नंबर 4, इस वाले टॉपिक में चाहे हम डेरिवेशन करें चाहे न्यूमेरिकल, हमें कुछ रीडिंग्स गिवन होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, nth रीडिंग या फिफ्थ रीडिंग, पांच ऑब्जर्वेशन दे दी, जैसे आपको हमने कराए थे न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल ये दे दिया, इस समय ये क्वेश्चन लिखते हैं 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.4 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, पांच रीडिंग दे दी। जैसे पांच बच्चे हैं, हमने बोला ये इस लेंथ की, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ की रीडिंग लो, किसी ने ये बताया, किसी ने ये, सबने रीडिंग ये बताया। अब जब हमें ये पांच रीडिंग दे दी जाए, हमें कैसे पता चले एक्चुअल कौन है? भाई सोचो, हमें एक्चुअल पता है तो रीडिंग लेने की जरूरत क्या है? पांच बार दस बार रीडिंग इसलिए लेते हैं सो एज टू मिनिमाइज एरर, एरर कम से कम हो सके। इन सब की मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू ले लो। ये जो हम पांच बार रीडिंग लेते हैं, पांचों का मीन एवरेज ले लो, इन पांचों को जोड़ो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A5 अपॉन 5, जितनी रीडिंग हो उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो। ये जो मीन वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं इस टॉपिक में एक्चुअल वैल्यू। लंबी गहरी सांस ले। अब समझे, जिसे हमने कहा वाई एक्चुअल वैल्यू, इस टॉपिक में उसे मीन वैल्यू कहते हैं, तो इसी वाई का एक और नाम हो गया एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ वाई। इसे समझे, ये टॉपिक आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन्हीं फॉर्मूलों से ये फॉर्मूले मैच है। मीन वैल्यू निकालते हैं, वही एक्चुअल वैल्यू है। फिर क्या करते थे इस फोर्थ के बाद, फिर हम कहते थे आप इस सब में एरर निकालो, एरर इन फर्स्ट रीडिंग, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग। भाई इसके आंसर आता था, मान लो इसका आंसर आ गया 10.5, ऐसे कुछ भी,
इसमें से इसे माइनस करो, पहली रीडिंग का एरर आएगा, इसमें से दूसरा माइनस करो, दूसरी रीडिंग का एरर आएगा, फिर चाहे वो एरर प्लस हो चाहे माइनस, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ए वन, ए एन माइनस ए वन का मॉड ले लो, चाहे ये प्लस आए चाहे माइनस आए, मॉड ले लो प्लस आएगा फाइनली, कुछ भी आएगा, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर में। फिर एब्सोल्यूट एरर इन टू निकालो, एब्सोल्यूट एरर इन थ्री निकालो, सबका निकालने के बाद फिर हमने आपको सिखाया था आप इसमें निकालो मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान से सुनो और फोकस, लंबी गहरी सांस लो, मीन एब्सोल्यूट एरर इसका क्या मतलब है भाई, देखो इसमें फंडा समझो, ये पांच बार रीडिंग क्यों ली, हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यू कहां से आएगी, एक्चुअल वैल्यू आएगी उनका मीन लेने से, एवरेज लेने से, जो एवरेज होता है उससे गलतियां मिनिमाइज हो जाती हैं, इसलिए हम बार बार रीडिंग लेते हैं लैब में, सो एज टू मिनिमाइज एरर। ऐसे ही ये पांच एरर आएंगे, एब्सोल्यूट एरर इन वन, एब्सोल्यूट एरर इन टू, एब्सोल्यूट एरर इन थ्री फोर एंड फाइव, ये पांचों एरर आए अलग अलग रीडिंग में, फाइनल एरर कौन सा मानू, पहला मानू दूसरा मानू, तो आंसर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर लो, इन सबका मीन लो, मीन मतलब इन सबको एवरेज लो, ऐड करो सारे जितने भी ये मीन, ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं, पांच एब्सोल्यूट एरर आएंगे, पांच रीडिंग है, पांचों को जोड़ो ऐड करो, पांच से डिवाइड करो, इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। एक लंबी गहरी सांस लो, इसी मीन एब्सोल्यूट एरर का नाम हम रखते हैं ये एरर इन वाई, इसे कहते हैं एरर इन वाई, समझो वाई कौन, एक्चुअल वैल्यू, वाई का इस टॉपिक का नाम कौन, मीन वैल्यू, फिर एरर इन वाई कौन, मीन एब्सोल्यूट एरर, इस एरर इन वाई को ही हम नाम देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे ध्यान दो, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये मीन वैल्यू है, जनरली हम इसे क्या कहते हैं, वाई है एक्चुअल वैल्यू और डेल्टा वाई है एरर इन वाई, तो एरर इन वाई का नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। भाई हमें एरर निकालना कैसे, पहले सबके एरर निकालो, सबका एब्सोल्यूट यानी कि मॉड निकाल लो, सबका एवरेज, एवरेज लो, एवरेज मतलब मीन, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन लो, इसका नाम है एरर इन वाई। इसीलिए हमने इस टॉपिक में आपको कहा था कि जब आपको फाइनल आंसर लिखना हो तो ऐसे लिखना, कैसे, ये सातवां पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, यही लिखते हैं, तो वाई कौन है, मीन वैल्यू, पहले लिखो मीन वैल्यू, अब मीन वैल्यू कौन है, मीन वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, ये वाला, प्लस माइनस डेल्टा वाई कौन है, एरर इन वाई, इसका दूसरा नाम क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसलिए इस टॉपिक में यहां लिखा जाता था मीन एब्सोल्यूट एरर। एक और लंबी गहरी सांस लें, फिर इसका आठवां पॉइंट यहां देखो, इसी सेकंड पॉइंट को आठवां पॉइंट बनाते हैं, भाई इसी के अंदर आता था रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन वाई, बताओ तो हम उसे क्या कहते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई, एरर इन वाई अपॉन एक्चुअल वैल्यू। अभी आपने सुना दोबारा से, ये एरर इन वाई का नाम क्या है, एरर इन वाई का नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कौन है, मीन वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू। अब ये टॉपिक आपको आसान लगेगा, ध्यान रखना कैलकुलेशन करते समय आपको डेसिमल के बाद जितने डिजिट दिए हो उससे एक एक्स्ट्रा डिजिट तक कैलकुलेशन करना, फिर राउंड ऑफ करना है। ये था पार्ट वन, एक और लंबी गहरी सांस लो, इसका पार्ट टू भी बताते हैं। देखो पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू में है परसेंटेज एरर, एरर वाली बात है, ये बात तो आपको अब डाइजेस्ट हो गई है, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर वन, अगर हम आपसे कहें फाइंड एरर इन वाई तो आप समझ जाते हैं ये डेल्टा वाई निकालना, ये पहला क्वेश्चन। इसी में पूछें रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन वाई निकालो तो अब आप समझ गए हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई निकालना है, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है। तीसरा है सिर्फ बोलते हैं परसेंटेज एरर इन वाई, जिसका पूरा नाम अभी बताया, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन वाई या परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन वाई, डेल्टा वाई अपॉन वाई इनटू 100, इसका सम्मान करने के लिए आप इसमें प्लस माइनस लगाते हैं, भाई एरर के रिस्पेक्ट है। ये तीन तरह के क्वेश्चन आए किसी भी फॉर्मूले में, जैसे अभी आया वाई इज इक्वल टू
100 ए क्यूब रूट बी बाय सी स्क्वायर इनटू डी की पावर 4। अब बोला इसको हैंडल करो, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आसान हो मुश्किल हो परवाह नहीं, ट्रिक को ध्यान दो। ट्रिक क्या है कि भाई जो कांस्टेंट होंगे इन कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होता, तो इसे तो भूल जाओ, इग्नोर कर दो, ये है ही नहीं, समझो इसमें एरर है ही नहीं। फिर ट्रिक लगाओ, इस ट्रिक को हम क्या कहते हैं, रिदम फॉर मैक्सिमम एरर। वाई है तो डेल्टा वाई बाय वाई, ये रिदम ध्यान दो। ए है तो डेल्टा ए बाय ए, सिमिलरली बी है सी है डी है तो डेल्टा। फिर क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर में जहां इक्वल है पहले तो वहां इक्वल आएगा और सबके बीच में यहां प्लस साइन आएगा। एरर्स आर ऑलवेज एडिटर, याद करो, रिमाइंडर, लंबी गहरी सांस लो। हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर है लेट अस से 60 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम आपसे कहें इन्हें ऐड करो, टोटल टेम्परेचर बताओ, तो 100 प्लस 60 160, एरर इन वन एरर इन टू ये भी ऐड होते हैं, 5 प्लस 2 7। लेकिन अगर हम आपसे कहें माइनस करो T1 माइनस T2, तो माइनस करना है, 100 माइनस 60 40 लिखना है, लेकिन एरर माइनस नहीं होते हैं, एरर इन वन माइनस एरर इन टू ये ऐड होंगे, यानी कि एरर ऑफ 5 डिग्री माइनस एरर 2 डिग्री, तो 5 प्लस 2 करना पड़ेगा 7 डिग्री सेल्सियस। फोकस, एरर्स आर ऑलवेज एडिड अप, इसलिए प्लस साइन लगाते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। फिर पावर को मल्टीप्लाई करो, देखो y की पावर 1 इनटू 1, अब इनटू 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, a की पावर 3 इनटू 3, b की पावर रूट, रूट का मतलब होता है 1/2 हाफ, तो यहां 1/2 से मल्टीप्लाई करो, c की पावर 2 इनटू 2, d की पावर 4 इनटू 4। अब लंबी गहरी सांस लो। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड एरर इन y, तो भाई यही खत्म हो गया, डेल्टा y निकालना, y को यहां ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो। हमारा क्वेश्चन है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो देखो ये आंसर आ गया, इसी डेल्टा वाई अपॉन वाई को कहते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन वाई। ये डाटा दिया होगा, पुट करो, न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें ज्यादातर पूछते हैं ये परसेंटेज एरर इन वाई, तो हम सिखाते हैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब जैसे ही दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई होता है, इस फॉर्मूले के मुताबिक ये बन जाता है परसेंटेज एरर इन वाई, तो डेफिनेटली ये बन जाता है परसेंटेज एरर इन ए, ये परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, साथ में दो तो मल्टीप्लाई है 2, ऐसे ये बन जाता है परसेंटेज एरर इन डी। ये सब डाटा दिया होता है, पुट करिए विद द प्लस माइनस साइन, आंसर आ जाता है। लंबी गहरी सांस लें। अब ऐसे ही, अब आसान है, देखो हम आपसे बोले ए इंटू बी है, क्या करोगे, वही रिदम वही है, वाई है तो डेल्टा वाई बाय वाई, ए है तो डेल्टा ए बाय ए, बी है तो डेल्टा बी बाय बी, सबके बीच में प्लस साइन लगाइए, मैक्सिमम एरर चाहिए हमें। फिर क्या करें, पावर मल्टीप्लाई करें, वाई की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1, इनटू 1 इनटू 1 इनटू 1, भाई 1 लिखो मत लिखो। फिर परसेंटेज चाहिए, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन बी, ये परसेंटेज एरर इन ए, और ये परसेंटेज एरर इन वाई। ऐसे ही एक आसान और है, देखो ए अपॉन बी बोल दे, ये आसान इसलिए सिखा रहा हूं, बात समझ में आए फार्मूला कैसे लगाते हैं। देखो फिर से, वाई है तो डेल्टा वाई बाय वाई, ए है तो डेल्टा ए बाय ए, बी है तो डेल्टा बी बाई बी, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आप फाइंड करते हैं मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो इसके बीच में प्लस आएगा चाहे डिवाइड थे चाहे मल्टीप्लाई थे। बाकी पावर मल्टीप्लाई होगी, इस समय फिर से पावर 1 है, 100 मल्टीप्लाई होगा, और देखो दोनों का आंसर सेम आता, आपको डेरिवेशन सिखाया था, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सेम आंसर आता था। अभी हम आपको फॉर्मूले की ट्रिक से सिखा रहे हैं। ऐसे लंबी गहरी सांस लें और बताते हैं, जैसे मेंसुरेशन वाले फॉर्मूला बेस, अब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आप इसके सारे फॉर्मूले याद कर लो जितने भी हैं। अब क्वेश्चन आया आपको परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और ये दिया आर,
परसेंटेज एरर इन रेडियस गिवन है प्लस माइनस 2%। फॉर्मूले वाली रिदम लगाओ, देखो ये जो कांस्टेंट है 4/3 pi, ये तो कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं होगा। फिर क्या ट्रिक है, v है तो डेल्टा v बाय v, r है तो डेल्टा r बाय r, पावर पावर मल्टीप्लाई करें, v की पावर 1 × 1 लिखो मत लिखो, r की पावर 3 × 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ये है परसेंटेज एरर इन आर, देखो ये दिया हुआ है 3 × ± 2%, सॉल्व करो प्लस माइनस 6%। बिल्कुल ऐसे ही हमने आपको सिखाया था सिंपल पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल। सिंपल पेंडुलम में क्या था कि एक आयरन का बॉब या कॉपर का बॉब, ये इस तरह से ऑसिलेशन करता है। एक राउंड पूरा करने का जो समय है, एक चक्कर लगाने का जो टाइम है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। भाई एक जगह पे ध्यान दो, इस जगह पे ध्यान दो, इस जगह को मत छोड़ना। यहां से देखो छोड़ता हूं, ये गया देखो लेफ्ट में, यहां रुकता थोड़ी है, वापसी आता है। अब ये एक राउंड हुआ, वन ऑसिलेशन। सो टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या वन राउंड, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, कभी टीचर बताएंगे कभी नहीं बताएंगे, 2 pi √L/g। अब क्या करें, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में आए इस टी में परसेंटेज एरर निकालो, फाइंड परसेंटेज एरर इन टी। तो यहीं से आंसर शुरू हो जाएगा, टी है तो डेल्टा टी बाई डी, 2 pi तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, एल है तो डेल्टा एल बाय एल, जी है तो डेल्टा जी बाय जी, फिर एल की पावर रूट है, रूट मतलब 1/2, जी की पावर रूट है मतलब 1/2, मैक्सिमम एरर चाहिए हमें हमेशा, प्लस साइन लगा दे बीच में, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड। टी की पावर 1 था इसलिए मैंने यहां 1 लिखा नहीं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये परसेंटेज एरर इन जी है, ये परसेंटेज एरर इन लेंथ है, ये परसेंटेज एरर इन टाइम है। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बोला ये जी तो कांस्टेंट है, ऐसा उसने बोल दिया। अगर उसने ऐसा बोल दिया जी कांस्टेंट है, फिर आपको ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, परसेंटेज एरर इन जी होगा ही नहीं, उसे कांस्टेंट दे दिया उसने, और नहीं कह रहा उसमें कोई एरर है। हो सकता है वो बता दे तो आप पुट कर देना, कांस्टेंट बता दे तो उसमें कोई एरर मत लेना, फिर खाली इतना ही क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, लंबी गहरी सांस ले। देखो इसी के अंदर अगर हम आपसे कहें फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन जी, तो इसमें सब जी निकालना पड़ेगा। टी इज 2 pi √L/g, दोनों साइड स्क्वेयर कर लें, टी स्क्वेयर 4 pi √L/g, जी इधर ले आओ भाई, जो निकालना उसे लेफ्ट पे रखो, 4 pi √L/t². अब दिमाग लगाओ, जो कांस्टेंट है उसे तो इग्नोर कर दो, फिर जी है तो डेल्टा जी बाय जी, एल है तो डेल्टा एल बाय एल, टी है तो डेल्टा डी बाय डी, पावर मल्टीप्लाई करो, जी की पावर 1 × 1, एल की पावर 1 × 1, टी की पावर 2 × 2, फिर मैक्सिमा एरर चाहिए, प्लस लगा दो, 100 मल्टीप्लाई करो। अब आपको दे दें अगर परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन जी निकल जाएगा। फिर इसमें कोई खतरनाक वाला न्यूमेरिकल बताया था, लीस्ट काउंट वाला, वो कैसे है? देखो हर इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम रीडिंग होती है, जैसे ये है हमारा लीनियर स्केल, हमारा जो लीनियर स्केल होता है उसमें ऐसे निशान होते हैं, ये जीरो, यहां जो स्टार्ट होता है उसे जीरो। फिर ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़े डायग्राम बना रहा हूं, 1, 2, 3, 4, ऐसे 5 का निशान होता, फिर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 पे ऐसे लिखा होता है, ये 1 cm होता, फिर ये आगे चलता है। अब इसकी मिनिमम रीडिंग देखो, सबसे छोटी रीडिंग, हर इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी रीडिंग होती है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट, इसी का दूसरा नाम है एक्यूरेसी, इसी को कभी कभी कह देते हैं रिजोल्यूशन। क्यों कहते हैं, देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, देखो फिजिक्स में अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे अगर मान लीजिए हमें यहां से लेके, मैं थोड़ा और स्केल बढ़ाता हूं और बेटर समझाने के लिए, एक बार समझाया भी था आपको, जैसे ये 1 है, फिर ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4। अब मान लो मेरे को रीडिंग लेनी है यहां तक की, यहां से शुरू करके कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ है ये, तो इसकी लेंथ को हम कैसे लेंगे,
इसकी लेंथ को हम लेंगे 1, 1.1, 1.2। अगर मजाक में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अबे ढाई ले ले, ढाई 1.25। ठीक, फिजिक्स में ही अलाउड नहीं है, या तो आप इसे कहेंगे 1.2 या कहेंगे 1.3। तो अभी मैं कहूंगा 1.2, क्यों? क्योंकि इट इज यू नो लिटिल बिट क्लोजर टू 1.2, 1.2 के पास में है। इस साइड है तो 1.2, इस साइड है तो 1.3। यही इसकी गलती है, इतनी लेंथ को ये बता नहीं पाता। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्यूरेट नहीं है, ये अंदाजा बताता है, अभी 1.2 ले लो नहीं तो 1.3 ले लो। तो इसमें गलती है, इतनी गलती है 0.1 सेंटीमीटर की। यही मिनिमम रीडिंग होती है। देखो दोबारा से लंबी गहरी सांस लो। सबसे पहले देखो इसकी सबसे छोटी रीडिंग क्या है, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ये सबसे छोटी रीडिंग है 0.1 सेंटीमीटर। ये जो 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम रीडिंग है, यही लीस्ट काउंट, यही एक्यूरेसी, यही रिजोल्यूशन है। अब यही कम से कम एरर माना जाता है उस इंस्ट्रूमेंट से जब आप रीडिंग लेंगे। क्यों एरर माना जाता है? बताया ना कि भाई ये अंदाजा बताता, ये प्रॉपर नहीं बताता 1.2 के बाद कितना आगे है। यहां इधर हो, इधर हो, या तो 1.3 बताया गया है 1.2। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं हर इंस्ट्रूमेंट का ए जो मिनिमम रीडिंग है, पहले तो उसे याद करो और उसका नाम है लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी या रिजोल्यूशन। बी, ये जो मिनिमम रीडिंग होती है उस इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम है लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी, वही मिनिमम एरर होता है। मिनिमम एरर इन रीडिंग, आप इस इंस्ट्रूमेंट से कितनी रीडिंग ले लो, 50 सेंटीमीटर तो भी यही एरर आएगा, 100 सेंटीमीटर तो भी यही एरर आएगा, छोटी रीडिंग लो 1.2 सेंटीमीटर तो भी यही एरर आएगा। तो इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम रीडिंग या लीस्ट काउंट मिनिमम एरर होता है। इसीलिए इस टॉपिक में जब आपको ये न्यूमेरिकल सिखाया था तो उसमें लीनियर स्केल की ये एरर लिया था। फिर क्या बोला था अगले स्टेप में, एक वॉच थी, उस वॉच का एक्यूरेसी 1 सेकेंड दे रखा था और उससे 100 ऑसिलेशन की रीडिंग ली थी और वो टाइम था 200 सेकेंड। अब फंडा ये है कि जो रीडिंग होगी उसमें एरर होता है। रीडिंग आपने 200 सेकेंड ली तो इसी में ये एरर है। अब मेरे को चाहिए 1 सेकेंड का टाइम। वैसे तो ट्रिक है, आप सीधा उठा के पुट कर दो, वो कट जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहेगा ना। कॉन्सेप्ट कहता है ये 1 सेकेंड, 1 ऑसिलेशन का टाइम है। तो आप दोनों साइड 100 से डिवाइड करो पहले, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये 100 कटेगा तो ये 1 ऑसिलेशन का टाइम बचता है, 2 सेकेंड, तो ये 1 ऑसिलेशन का एरर है। 1 ऑसिलेशन का टाइम का नाम टाइम पीरियड है, 1 ऑसिलेशन के टाइम का नाम टाइम पीरियड है, और 1 ऑसिलेशन के टाइम में जो एरर है वो एरर इन टाइम पीरियड है। फिर हम इसे यहां पुट कर देते हैं। लंबी गहरी सांस भरो। लास्ट हमने आपको सिखाया था ये पैरेलल वाला 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसकी ट्रिक ये है कि डिफरेंशिएशन का आप ये फॉर्मूला रटें, आप इसे रटें, ट्रिक है ये। जब तीनों वेरिएबल है, ये भी, ये भी, ये भी, तो कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x आप लिखें माइनस डेल्टा x बाय x स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, जब डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो ये फॉर्मूले आपको समझ आ जाएंगे। अभी आपने इसे रटा तो आप इसे लिख पाओगे जैसे 1/x, इसे देखो 1/x का डिफरेंशिएशन हम लिख रहे हैं माइनस डेल्टा x बाय x स्क्वायर, तो 1/RP का क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा RP बाय RP स्क्वायर। ध्यान दो, फिर से देखो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस डेल्टा x बाय x स्क्वायर, तो 1/R1 का माइनस डेल्टा R1/R1 स्क्वायर। फिर ऐसे ही 1/R2 का माइनस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। अब दोनों साइड माइनस कट जाता है, इसीलिए कई बुक वाले नहीं लिखते, पर तरीका यही है। अब आपको ये चाहिए एरर इन आरपी, आगे आप जानते हैं कैलकुलेट कैसे करें, समझे।